अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकरास किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी अमान में रखे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम आपको सिखाएंगे मगज़ कैसे साफ़ करते हैं। ये हमारे पास बकरे का मगज़ है, एक अदद हमने मगज़ लिया। मगज़ की सफाई बहुत ज़रूरी है। अब हमने एक अदद मगज़ लिया है। अब हम इसको इसमें पानी ऐड करेंगे। इसकी ये जो रेड रेड लाइंस नज़र आ रही है ना, हम इनको साफ़ करेंगे। ये देखिए, ये जो रेड रेड लाइंस हैं, हम इनकी सफाई करेंगे अच्छे से। इस तरह मल के हम इनकी सफाई करेंगे। इस तरह ये देखिए, ऐसे पकड़ के इसके जो ये लाइंस हैं ना, ये साफ़ होनी चाहिए। ये देखें, ये जो इसकी झिल्ली है, हम इसको इस तरह उतारेंगे। ये देखें, ये इस तरह सफाई होती जाएगी। ये सारी हम इस तरह से उतारेंगे, इसकी ये सारी झिल्ली हम अच्छे से उतारेंगे ऊपर से। देखें ये वाली, ये देखें, सारी सफाई हो गई है। और ये देखें, ये हम उतारेंगे ये झिल्ली। ये देखें, ये हमने मगज़ में से सिर्फ ये झिल्ली निकालनी है। ये देखिए, मगज़ बिल्कुल साफ़ हो गया है। इस तरह हम ये सारे सफाई करेंगे। ये देखें, ये देखें, हमने मगज़ के अंदर जो रेड रेड वेंस थी, जो झिल्ली सी थी, वो उतार दी है। मगज़ को साफ कर लिया है हमने, डिटेल में अच्छे से मगज़ को साफ़ कर लिया है। अब हम इसको एक दफ़ा फिर से साफ़ पानी से गुजारेंगे। ये देखें, हम फिर से थोड़ा सा बिल्कुल सादा पानी लेंगे, इसको अच्छे से इस तरह साफ़ कर लेंगे। मगज़ सिरी पाई इन सब के अच्छे से सफाई ना हो तो ये स्मेल देते हैं और अच्छे से पकते भी नहीं हैं, खाने में भी मज़ा नहीं आता। ये देखें, हमने बकरे का मगज़ लिया था, उसकी अच्छे से सफाई कर ली है। और इसकी पकाने की रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमें अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।